नहमदहू वनसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अर्रहमान यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। ये बख्शन खान का रेलवे स्टेशन है, ये इसकी इंतज़ारगाह है, ये टिकट घर, और ये सामने जो आपको बोर्ड नज़र आ रही है नोटिस बोर्ड है। इस पर नोटिस लिखा जाता था किसी ज़माने में कि रेलगाड़ी इतने घंटे लेट है। ये सामने जो आपको हट नज़र आ रही है इसमें पानी के मटके रखे जाते थे। इस रेलवे स्टेशन पे दो रेलवे लाइनें हैं, ये लूप रेलवे लाइन है और ये जो है ये मेन रेलवे लाइन है क्रॉसिंग के लिए। किसी ज़माने में जब रेलगाड़ियाँ चलती थी तो यहाँ से तकरीबन कराची भावलनगर और समासट्टा के लिए 50 से 70 के करीब सवारियाँ सवार होती थी और उतरती थी रेलगाड़ी से। इसके ऊपर किसी ज़माने में वाटर टैंक रखा होता था जिसमें पानी भरा रहता था हर वक्त। रेलवे कॉलोनी के लिए और रेलवे स्टेशन की इमारत के लिए और मुलाजमीन के लिए और मुसाफिरों के लिए। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बत्ती गोदाम है जिसमें कैरोसिन लैंप रखे जाते थे सिग्नल्स के लिए। नाजरीन, ये रेलवे का ब्रिज है, इसके ऊपर रेलवे ट्रैक था। बख्शन खान से जो रेलवे लाइन दरिया की तरफ जाती थी पत्थर लेके, उस रेलवे लाइन के रास्ते में ये पुल जो है बनाया गया था। अभी देखिए इससे ट्रैक गायब हो चुका है और यही वो रास्ता है जिस रास्ते से रेलवे ट्रैक बनाया गया था। नाज़रीन, ये वो रास्ता है, इस पर किसी वक्त रेलवे ट्रैक बिछा हुआ था बख्शन खान से लेके जो हेड है लुडन वाला। जब दरिया में पानी का बहाव तेज़ होता था तो रेलगाड़ी के ऊपर पत्थर ले जाया जाता था दरिया के किनारे पे डालने के लिए ताकि पानी का बहाव कम किया जा सके। अब ये रेलवे ट्रैक जो है ख़त्म हो चुका है यहाँ से। नाज़रीन, ये सामने आप देख सकते हैं ये रेलवे के क्वार्टर्स हैं बख्शन खान के स्टेशन पे। इनकी हालत देखिए कैसी है। नाज़रीन, इस सेक्शन की एक ख़ास बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि इस सेक्शन पे हर 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे रेलवे के मुलाजमीन के लिए जिनमें गैंगमैन और बेलदार शामिल थे जो कि रेलवे ट्रैक की देखभाल करते थे, इसकी मेंटेनेंस का काम करते थे, उनके लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे जो कि अभी गिर चुके हैं। क्योंकि उस वक्त जो फासला था उसको मीलों से नापा जाता था, अब फासले को किलोमीटरों से नापा जाता है। ये जो आप सिग्नल देख रहे हैं जो मैंने आपको बत्ती गोदाम थोड़ी देर पहले दिखाया था, बत्ती गोदाम जो है उसमें कैरोसिन लैंप को साफ़ सफाई करके कैरोसिन से भर के ला के यहाँ एक बॉक्स बना हुआ होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा जिस जगह पे परिंदे बैठे हैं यहाँ कैरोसिन लैंप बॉक्स था।
इस लैंप बॉक्स में लैंप को रख के माचिस की दिया सलाई से रोशन किया जाता था सिग्नल्स के लिए, जबकि मेन लाइन पे ऐसा नहीं है। मेन लाइन पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, इशारे वाले भी हैं जो ट्रैफिक के इशारे वाले सिग्नल्स हैं, कुछ जगह पे जो सिग्नल्स हैं उनके साथ सोलर की प्लेटें लगा के बैटरी लगा के उनको रोशन किया जाता है, जबकि किसी जगह पे जो बिजली के बल्ब हैं वो लगाए गए हैं सिग्नल्स में। इस रेलवे लाइन की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के बाद इस पर रेलगाड़ी जो है वो तकरीबन 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से चलाई जा सकती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी ये जो आवाज़ है चीफ़ जस्टिस तक पहुँचे। चीफ़ जस्टिस साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि चीफ़ जस्टिस साहब, जिस तरह से आपने कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करने के लिए ऑर्डर दिए हैं, बराहे करम आप भावनगर सेक्शन की तरफ भी एक नज़र देखें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।